अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आपको पता चल गई होगी मेरी थंबनेल से कि किस बारे में है। ये हमारे स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन है, जो कि आज की रेमेडी है। इसको लगाने के बाद हमारे स्किन के जितने प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। तो सबसे पहले हमने लेना है एलोवेरा जेल। ठीक है, एलोवेरा का एक टुकड़ा पकड़ें और आपने इसको अच्छे तरीके से काट के इसको छिलका ऊपर से रिमूव करके हमें इसका जेल चाहिए। ठीक है जी, जेल आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं और ये पोर्स को बंद करने में बहुत ही मदद करता है। ये सनब्लॉक का काम भी करता है, चेहरे के हुसन में निखार दिलाने के लिए लोग सदियों से एलोवेरा का इस्तेमाल करते आ रही हैं। अच्छा, बहुत से लोगों की स्किन जो होती है वो सूरज से बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है, तो ये उनकी स्किन को भी जगह पर लाने के लिए बहुत ही बेनिफिट है। अगर वो डायरेक्ट अपनी स्किन पर लगा के इसको छोड़ दें तो उनकी स्किन सनब्लॉक का काम ये करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ठीक है जी, मतलब कि एक कह लें कि कुदरती सनब्लॉक है अगर आप इसको अपने सर पे फेस पे लगाएं। तो हमने अच्छे तरीके से इसको नाइफ के साथ काट के इसका जो गूदा है, इसका जो जेल है वो निकाल के उसके अंदर हमने ड्राई मिल्क को ऐड कर देना है। ड्राई मिल्क को ऐड करने के बाद हमने हल्दी इस्तेमाल करनी है। हल्दी भी बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनकी स्किन का प्रॉब्लम होता है। अक्सर लोगों की स्किन के ऊपर बहुत से मसले मसाइल होने लग जाते हैं, पिम्पल निकल आते हैं, तो अगर वो ये हल्दी उनकी स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करेगी और जो उनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं उसको भी ख़त्म कर देगी और जो निशान है उसको भी ख़त्म कर देगी। ठीक है जी, इसको हमें अच्छे तरीके से इसी तरीके से पेस्ट बना के मिक्स कर देना है एलोवेरा के इस टुकड़े के ऊपर, और डायरेक्ट ये टुकड़ा हमने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। अपनी स्किन को अपने ऊपर आपने ऐसे अप्लाई करना है कि अच्छे तरीके से इसको मसाज करना है और इसको 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको अपने स्किन के ऊपर मसाज करते रहना है, और उसके बाद आपने 15 मिनट के लिए इसको अपनी स्किन पे रखे रखना है। यानी कि इस जेल को आपने वॉश नहीं करना, बहुत जल्दी वॉश नहीं करना, बस इसको अपने 15 मिनट के लिए रखना है। तो आपको इसके बेनिफिट फ़र्स्ट टाइम ही नज़र आने लग जाएंगे, लेकिन आप इसको हफ्ते के लिए इस्तेमाल करें और इसके रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बहुत से लोगों की स्किन ऑयली होती है तो ये उनकी स्किन के ऊपर जो पिंपल होते हैं तो ये उस मरहले को रोक के उनके जो पिंपल होते हैं उनको ख़त्म कर देगा और जो उनके निशान है वो भी इसको रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, इसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना, मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपने लास्ट में बताना है। इस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी है तो यहीं पर मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है। एक ही दफ़ा लगाने से इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही बेहतरीन मिला है। तो आप इसको हफ्ते में 1 के 2 दफ़ा में आप इसको 2 के 3 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि इसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही अच्छे मिलें। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम तब तक अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।